ममता बनर्जी जी, ये घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। एक तरफ तो आप प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको 4 घंटे में रीइंस्टेट करते हैं, अब बताया जा रहा है कि उनको OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लथाड़ लगाई है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवरअप किया, जज को कहना पड़ा कि 30 वर्षों में उन्होंने इस प्रकार का डिस्क्रिपेंसी और लैप्सेस नहीं देखा है। 18 घंटे FIR दर्ज कराने में, FIR भी पेरेंट्स के द्वारा दर्ज कराई गई, ऑटोप्सी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद UD केस फाइल किया गया। हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को लथाड़ा था, और माता पिता ने भी बोला था कि सरकार ममता दीदी की निर्ममता से बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सबूत मिटा रही है और बेटी को न्याय दिलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं। ममता बनर्जी जी, ये घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। एक तरफ तो आप प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको 4 घंटे में रीइंस्टेट करते हैं, अब बताया जा रहा है कि उनको OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है। जिस प्रकार से कल कपिल सिब्बल ने हंसी और मजाक उड़ाया पीड़िता का कोर्ट रूम में, इससे पता चलता है कि ये निर्ममता वाली सरकार है, तो अब केवल ममता दिखाने का ढोंग करने से कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी जी, ये घड़ियाली आंसू बंद कीजिए। एक तरफ तो आप प्रिंसिपल संदीप घोष, जिसको 4 घंटे में रीइंस्टेट करते हैं, अब बताया जा रहा है कि उनको OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया है। मतलब वो कितने स्पेशल ऑफिसर है ममता बनर्जी की सरकार के लिए, ये फिर से पता चल रहा है। और दूसरी ओर जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, लथाड़ लगाई है कि किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक कवरअप किया, जज को कहना पड़ा कि 30 वर्षों में उन्होंने इस प्रकार का डिस्क्रिपेंसी और लैप्सेस नहीं देखा है। 18 घंटे FIR दर्ज कराने में, FIR भी पेरेंट्स के द्वारा दर्ज कराई गई, ऑटोप्सी के बाद, पोस्टमार्टम के बाद UD केस फाइल किया गया, केस पेपर्स में भी और केस डायरी में भी किस प्रकार से कोई ना कोई छेड़खानी की गई है, ये भी तथ्य सामने आया। और केवल SC ने नहीं, हाई कोर्ट ने भी पश्चिम बंगाल की सरकार और पुलिस को लथाड़ा था, और माता पिता ने भी बोला था कि सरकार ममता दीदी की निर्ममता से बलात्कारियों के साथ खड़ी है, सबूत मिटा रही है और बेटी को न्याय दिलाने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब इस प्रकार से पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है। सवाल तो सिर्फ इतना बनता है कि ममता बनर्जी, ये बताइए कि आप कब इस्तीफा देंगी, आप कब जिम्मेदारी उठाएंगी। और दुख की बात यह है कि इंडी अलायंस के तमाम जो नेता है वो चुप है। वो इसलिए चुप है क्योंकि कन्नौज में जब अखिलेश यादव जी के नेता बलात्कार करते हैं तो उस पर कोलकाता वाले चुप हो जाते हैं, और कोलकाता में जब इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है तो कन्नौज वाले चुप हो जाते हैं। और जिस प्रकार से कल कपिल सिब्बल ने भी हंसी और मजाक उड़ाया पीड़िता का कोर्ट रूम में, इससे पता चलता है कि ये निर्ममता वाली सरकार है, तो अब केवल ममता दिखाने का ढोंग करने से कुछ नहीं होगा।